नूरपुर के भिवार में फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक हुई। बैठक संघर्ष समिति के महासचिव विजय सिंह हीर की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई, जिसमें मुख्यतः समिति के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 गंडवाल मंडी के विस्तारीकरण में लेट लतीफी में दो टूक चेतावनी दी। विजय हीर ने बताया कि सरकार द्वारा मुआवजे में 40% कटौती करने के फैसले से प्रभावित होकर सरकार को सर्कल रेट नामंजूर है और हम किसी भी हालत में सरकार को भू अधिग्रहण नहीं करने देंगे। जब तक सरकार मुआवजे के प्रति स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तब तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया अमलीजामा देना सरासर प्रभावितों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में रहे भूतल एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा गगल में 24/2/19 को अपने लवेलश्कर के साथ जोर शोर से उद्घाटन किया था, जो कि सरासर प्रभावितों के साथ धोखा करार दिया। दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, 154 राष्ट्रीय उच्च मार्ग का विस्तारीकरण करीब 5 वर्ष से करने जा रही है, लेकिन तिथि नहीं बता रही और तमाम प्रभावितों के मुआवजे के प्रति भी गंभीर नहीं है। सरकार ने आज तक मुआवजे के सर्कल रेट को भी बिना किसी पैरामीटर के 40% कटौती कर दी है, जिसका फोर लेन संघर्ष समिति तल्ख अंदाज में कड़े लफ्जों में सरकार का विरोध करती है और सरकार को भू अधिग्रहण न करने की भी दो टूक चेतावनी देती है। आज पदाधिकारियों ने अपने हक की खातिर माननीय न्यायालय में अतिशीघ्र जाने का फैसला लिया है और कानूनविदों की राय लेकर आगामी राजनीति तय की जाएगी। सर, पठानकोट मंडी जो हमारी फोर लेन बनने जा रही है, ये सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण जो है सड़क है, पर सरकार ना जाने इसमें हमें असमंजस में फंसाकर क्या इनका रवैया है, क्या करने जा रही है। 24/2/2019 को माननीय भारत सरकार के हमारे अपने माननीय श्री गडकरी जी ने इसका शिलान्यास गगल में किया था, परंतु आज तक इस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बदले इन्होंने क्या किया कि 40% काट लगा के जो हमें जो है वो एक घोषणा कर दी कि हम इतना रेट नहीं दे सकते। यदि हमें 67,000 रुपया मरला इन्होंने रेट जहां का रेट 8 लाख रुपया जो है पर मरला है, वहां का 67,000 रुपया हमें पर मरला देने जा रही है, हम ऐसी सूरत में अपनी ज़मीन पे सड़क नहीं बनने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जो रोड है जो बनाना है आपने, तो सड़क बननी चाहिए, क्योंकि इतनी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हम नहीं चाहते। ये हमारे जो है बच्चे दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं, रोड के कारण जो है दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि भी रोड नहीं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हमें पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए और इस सड़क का जो काम है बड़ा जल्दी लगना चाहिए। यदि नहीं लगना है, ये नहीं जो रोड बनाना है तो हमें भी बताया जाए। आज तक हम इतने असमंजस में फंसे हुए हैं, ना अपनी कोई एडिशन कोई अपना निर्माण कार्य मकान का कर रहे हैं, ना ही अपने ज़मीन में जो है कोई आगे व्यवसाय को बढ़ावा दे जा रहे हैं। हम अपनी ज़मीन पे जो है चोर बन के बैठ गए हैं और लोगों ने बैंक के लोन ले रखे थे, इन्होंने 1.5 साल पहले इतना जोर लगाया सरकार ने, हम आज भी आपके अकाउंट नंबर दो अपने खाते में पैसे डालने जा रहे हैं। लोगों ने लोन लेके इधर उधर ज़मीनें खरीद रखी हैं और आज वो अपने जो पैसे जो हैं इंटरेस्ट इतना उनको पड़ रहा है कि वो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं कि लाखों रुपए की उन्होंने बयाने दे रखे हैं, जो कि उनके लोगों को ज़मीन खरीदने के बयाने दिए हुए हैं वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। तो हमें जो है बड़ा पीड़ित किया जा रहा है, हम मजबूर होके जो है संघर्ष की राह में जाने में मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार व प्रशासन की होगी। नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।